जांच होने दीजिए। मुझे इस मामले में कई थ्योरियां नजर, कई कहानियां नजर आ रही है। पुलिस की किसी कहानी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस अभी पल्ला झाड़ने काम कर रही है। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ ना, बड़े बड़े आपस में पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी बीजेपी पर। मैं कह रहा हूँ LG इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, दिल्ली कमिश्नर, इससे क्या बेटी को न्याय मिल जाएगा? वो सब इस्तीफा दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें न्याय चाहिए और न्याय तब मिलेगा जब ये जो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा जा रहा ना, उस परिवार को बंद करके। ये बंद होगा, परिवार को मीडिया के जरिए अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और ये जो नई नई कहानियां गढ़ी जा रही, इन पे बंद हो गए ये कहानियां, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई सामने लाएगी। सच्चाई क्या है सर, आपको नजर में क्या लगता है कि आरोपियों की क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, आरोपियों को मैक्सिमम सजा होनी चाहिए जो उन्होंने अपराध किया। जैसे ये हीनेस्ट क्राइम, वो बच्ची बच सकती थी अगर पुलिस ने समय पे उस गाड़ी को रोक दिया होता, तो बच्ची बच जाती और पूरी घटना सामने आती। क्या पुलिस ने मरने के लिए छोड़ दिया उस बच्ची को कि वो मर जाए? ये जो लापरवाही हुई है, मैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे की मांग करता हूँ जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, उनको मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए। दिल्ली में, दिल्ली देश का दिल है, राजधानी, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, एम्बेसियाँ हैं, बाहर से लोग पर्यटक आते हैं। अगर दिल्ली में ये माहौल है तो क्या इससे देश में, दुनिया में हमारी बदनामी नहीं हो रही है? और एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाली सरकार बताए, क्या इन परिवारों का दुख पूछने के लिए अभी मुख्यमंत्री को समय नहीं लगा है? मुख्यमंत्री तो दिल्ली में रहते हैं, हर घटना पे वो 2-3 घंटे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बेटी के यहाँ क्यों नहीं? देखो, इस मामले में अभी SC ST एक्ट नहीं लगा है, PM रिपोर्ट की बात अभी की जा रही है, लेकिन PM रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई है। हम बिना PM रिपोर्ट देखे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को डाइवर्ट करने का काम ना करे जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही। अगर ऐसा होगा तो फिर इसके विरुद्ध जो भी आंदोलन करना पड़े या सड़कें बंद करनी पड़े या बैठना पड़े, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा और उनके साथ इतना नरसंहार, उनकी हत्याएं होंगी और हम लोग चुप रहेंगे, तमाशा देखेंगे, तो ये अच्छा नहीं है समाज।